दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखिए, जो सैमसंग फ़ोन है इसमें FRP लॉक आया है, इसको हम रिमूव करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हम हमारे कंप्यूटर के पास चलते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने फ़ोन को कनेक्ट किया, USB ड्राइवर जो है हमारा ले रहा है अभी, तो इसको आप फोन लेने दीजिए। फोन में हमारा ड्राइवर अभी ले रहा है, देखिए। तो USB ड्राइवर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्कैन देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको फ़ोन का मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा मॉडल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड मोड देना है, सिंपल जो आपका फ़ोन है डाउनलोड मोड में। यहाँ पे जैसे डाउनलोड मोड देंगे आप, फोन डाउनलोड मोड में आ जाएगा। तो मैं डाउनलोड मोड दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। तो फ़ोन हमारा जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड में आ जाएगा। तो ये देखिए, फ़ोन जो है हमारा डाउनलोड मोड में आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे ड्राइवर लेगा एक बार। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्कैन देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, रिमूव FRP देना है। तो रिमूव FRP देने के बाद यहाँ पे देखिए, FRP रिमूव लिखा आ गया, ये देखिए। तो हमारा फोन जो है ये देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। जैसे कंप्लीट होगा फ़ोन जो है ये रिबूट होगा। फ़ोन को मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, उसके बाद ये रिबूट तो नहीं हुआ फ़ोन हमारा। ये फ़ोन जो है ब्लिंग हो रहा है, तो इसको फिर से फ्लैश करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ बाईपास जो तरीका है वही बेहतर तरीका है। आप अगर बाईपास कर सकते हैं तो बाईपास कीजिए, नहीं तो आपको फिर से जो है फ्लैश करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपका ये फ़ोन जो है ऑन नहीं होगा, देखिए मैं आपको पूरा दिखाने कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, चलिए।